नमस्कार सभी विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक है वो अपना एक्सप्लेन करेंगे भाई। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है और उससे इंटेंसिटी क्या आती है, ये सारे टॉपिक इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर सॉल्व होंगे भाई अपने। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड से ही एक्सप्लेन है, इलेक्ट्रिक जो वर्ड्स है वो रिलेटेड टू चार्ज है और डाइपोल मतलब डबल पोल हमें बनाने हैं। अब डबल पोल कैसे बनेंगी कि या तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो अगर अपन चार्ज प्रेजेंट कर देते हैं, दोनों अगर मैग्नीट्यूड में हमारे सेम हैं तो ये फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल में कंसिडर होता है भाई। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स ये हो गया कि एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हम सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्ज वो प्रेजेंट करते हैं, और अगर अपोजिट नेचर के अपन चार्ज प्रेजेंट कर देते हैं तो फिर उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में कंसिडर करते हैं भाई। तो ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड्स अपन ले रहे हैं ये रिलेटेड टू चार्ज है, इसका मतलब चार्ज प्रेजेंट करने हैं, और डाइपोल का मतलब हमें डबल पोल बनाने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर से। ओके, तो देखो हमने यही लिखा है कि इट इज सिस्टम, ये एक सिस्टम है एंड सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। मतलब इसमें मेन बात यही है कि हम सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज प्रेजेंट करते हैं हम, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है भाई। देखो, हमने ये ए और बी एक सिस्टम लिया और इस सिस्टम में हमने एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज और दूसरा नेगेटिव नेचर का चार्ज अपन ने प्रेजेंट कर दिया टू ए डिस्टेंस पर। तो ये जो पूरा सिस्टम है इस सिस्टम का नाम ही इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, क्योंकि हमने देखो यहाँ डबल पोल प्रेजेंट कर दिए। एक तो भाई इधर अब पॉजिटिव नेचर का चार्ज ले लिया और इधर हमने नेगेटिव नेचर का चार्ज ले लिया, तो ये बन गया डाइपोल। और ये जो चार्ज ले लिए तो ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो गए, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्ज हम प्रेजेंट कर देते हैं तो इस सिस्टम का नाम ही इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई। ओके, अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी बन जाएगी, और वो क्वांटिटी देखो क्या है, आप ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको, हम इसको पी से इंडिकेट करते हैं, पी इसका सिंबल है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट पी होता है ये हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज प्रेजेंट किया है उसका मैग्नीट्यूड क्यू एंड बिटवीन डिस्टेंस जो टू ए है उन दोनों का मल्टीप्लाई है, वो पी के इक्वल होता है भाई। मतलब पी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू एंड बिटवीन डिस्टेंस टू ए का मल्टीप्लाई जो है वो पी के इक्वल होता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल क्यू इंटू टू आता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका एक फॉर्मूला बना दिया, P इक्वल क्यू हमारा चार्ज है और टू ए बिटवीन डिस्टेंस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है भाई। अब यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका वेक्टर फॉर्म करेंगे। तो देखो, P वेक्टर इक्वल चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इस पर हम किसी तरह का वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो क्यू इंटू टू ए वैक्टर मतलब ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप देख रहे हो शॉर्ट लेंथ है ये, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में रहेगा। तो एक स्केलर का अगर वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है भाई, ऐसा हमने मल्टीप्लाई क्लास 11th में पढ़ा है कि भाई पी वेक्टर इक्वल क्यू इंटू टू ए वेक्टर, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है इसके ऊपर इसका वेक्टर फॉर्म नहीं होगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटी देन रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी। ओके,
अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई तो आपको पता है इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन क्या आएगी वो हम देखते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो डायरेक्शन आपको पता है मैंने बताया था पहले भी कि वेक्टर क्वांटिटी है ये पी, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी भाई, हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, उस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एंटर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन है वो एक तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही डायरेक्शन है। इसका मतलब ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज आती है, मतलब जनरली। तो ये इसके अपोजिट होगी, ये ध्यान रखने की बात है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन जो लोगे आप वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। हमने ये लिखा है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। भाई ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। इसकी यूनिट आप सोल्व करोगे तो आपको पता है चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट बनेगी वो कूलाम इंटू मीटर हो गई भाई। ओके, इसी फॉर्मूले से हम यूनिट का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, 11th क्लास में भी आप ये बात पढ़ के आए हो कि आपके पास अगर फॉर्मूला है तो आप उसकी यूनिट और डायमेंशंस दोनों डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ बेसिक एग्जाम्पल मैं इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, आप Na प्लस Cl माइनस लेते हो, ये एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई। परमानेंट का मतलब ये हो गया कि हमेशा एक डाइपोल की तरह ही बिहेव करता है Na प्लस Cl। बट HCl की अगर हम बात करते हैं, H प्लस Cl माइनस, देखने में ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये, बट ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई। इंड्यूस्ड का मतलब ये होता है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करते हैं तब ये HCl वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसका नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट नहीं किया तो ये HCl वो डाइपोल नहीं है अभी, मतलब ये इंड्यूस्ड हो रहा है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसलिए HCl वो तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बट NaCl वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई। मतलब ये NaCl वो हमेशा एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करो या नहीं। बट HCl इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्रेजेंट करोगे तब ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए HCl एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई। ओके, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है उससे रिलेटेड एक बेसिक पॉइंट हो गए हमारे। अब यहां पर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व करेंगे। दो पॉइंट हमारे पर्टिकुलर यहां आएंगे, एक तो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस लाइन पर सोल्व करेंगे और एक हमारा इक्वेटर लाइन पर सोल्व होगा भाई। तो पहले हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस लाइन ड्यू टू डाइपोल पे चलते हैं। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस लाइन पर मैं सोल्व कर रहा हूं डाइपोल से, तो ध्यान देना पहले हम इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे फिर हम चलते हैं आगे। देखो ये ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, इसके ए पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू प्रेजेंट है, पॉइंट बी पर ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है भाई, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2a है भाई। ओके, इसके सेंटर पॉइंट ओ से ये r डिस्टेंस पर ये पॉइंट s प्रेजेंट है, ये s पॉइंट आप देख रहे हो कि इसकी एक्सिस लाइन पर है, ये इसकी इक्वेटर लाइन होती है, लेकिन हमने इस पॉइंट s को कहां प्रेजेंट किया है, एट एक्सिस लाइन पर प्रेजेंट किया है जहां हमें इंटेंसिटी सोल्व करनी है। ओके, अभी तक आप एक सिंगल चार्ज की वजह से इंटेंसिटी सोल्व करते आए हो, लेकिन इस टॉपिक में अब हमारे डबल चार्ज हो गए। रीजन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप देख रहे हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज प्रेजेंट हैं,
इसलिए पहले हम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज से इस एस पॉइंट पर इंटेंसिटी ई वन है भैया, आप देख रहे हो मैंने क्या लिखा, इंटेंसिटी ई वन प्रोड्यूस एट पॉइंट एस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और डायरेक्शन आप देख रहे हो इसकी आउटवर्ड जा रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर डायरेक्शन आउटवर्ड ही होती है, इसलिए हम ई वन की डायरेक्शन ये लिख सकते हैं पॉइंट बी टू पॉइंट एस, आउटवर्ड होगी। और इंटेंसिटी ई टू प्रोड्यूस पॉइंट एस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, मतलब माइनस क्यू चार्ज से डायरेक्शन इनवर्ड होती है, आप देख रहे हो ई टू की डायरेक्शन अंदर की ओर ही है, इनवर्ड है, इसलिए हम ई टू की डायरेक्शन पॉइंट एस टू पॉइंट बी लिख सकते हैं। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना, इंटेंसिटी ई वन प्रोड्यूस पॉइंट एस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन आउटवर्ड, बट इंटेंसिटी ई टू प्रोड्यूस पॉइंट एस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड डायरेक्शन इनवर्ड पॉइंट एस टू पी, या ई वन और ई टू की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए पॉइंट एस पर जो रिजल्ट आएगा वो ई वन माइनस ई टू होगा और ई टू माइनस ई वन होगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको, वो डिपेंड करेगा कि भी दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, उसके बेसिक से सोल्व होगा फिर। तो अगर हमारी ये डायग्राम समझ में आ गया तो हम इस पॉइंट को इजी गोइंग आगे एक्सप्लेन कर देंगे भाई। तो देखो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दें, तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉजिटिव चार्ज से इंटेंसिटी क्या आती है और फिर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या होगी। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है इंटेंसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला पॉइंट चार्ज से के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो E1 इक्वल के क्यू अपॉन डिस्टेंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट O के बीच डिस्टेंस R माइनस A है भाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेंट्रल पॉइंट जो हमारा है उस सेंट्रल पॉइंट से S पॉइंट की डिस्टेंस R है, उसमें से 2A का आधा है वो इधर का A, तो ये R में से माइनस A कर दोगे ना तो ये डिस्टेंस बच जाएगी कहां से, पॉइंट बी और एस के बीच की, पॉइंट बी टू एस की, डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो यही चीज आपको मिलेगी, आपको पता है पूरी चीज यही एक्सप्लेन करनी है अपने को। पॉइंट बी टू एस भाई, यहां इस डायग्राम में पॉइंट बी टू एस हम डिस्टेंस देख रहे हैं, देखो पॉइंट ओ से एस के बीच की डिस्टेंस आर आप देख रहे हो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस टू ए है, ओ बी ए के इक्वल, ओ ए बी ए के इक्वल। अब आपको मान लो कि पॉजिटिव चार्ज से इंटेंसिटी इवन सोल्व करनी है तो B और S के बीच की आप डिस्टेंस देखोगे तो आपको पता है कि इस O और S के बीच की डिस्टेंस R है, इस R में से आप ये डिस्टेंस माइनस कर दो A वाली, R माइनस A बच गई इधर वाली। और मान लो आप नेगेटिव चार्ज की सोल्व करोगे S के बीच की, तो मतलब पॉइंट A और S के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो S से O तक तो R है, आगे वाली A है, R प्लस A डिस्टेंस होगी नेगेटिव चार्ज की। तो ये डिस्टेंस जो लेंगे हम उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटेंसिटी बनेगा, इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला वो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन इवन में तो आप B से S के बीच की डिस्टेंस लोगे, मतलब R माइनस A, E2 नेगेटिव चार्ज से है तो A और S के बीच की डिस्टेंस लोगे R प्लस A, तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमारा पॉइंट टू पॉइंट सोल्व होगा भाई। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैंने एक बार आपको वापस एक्सप्लेन किया इस बात को कि आप ध्यान दे लें। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो
तो देखो E1 इक्वल के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन वही हो गई, पॉइंट B2S मैंने बताया था आपको आउटवर्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो आप देख रहे हो E2 इक्वल के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, और डायरेक्शन पॉइंट S2B बन गई है। डायरेक्शन पॉइंट S2B का मतलब इनवर्ड हो गई। अब E1 और E2 में से मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है? देखो भैया, आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्स है, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्स है। अब जिसकी डिस्टेंस कम है वो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, आपको पता है, और जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी तो E1 है वो लार्ज होगी, उसका रीजन ये है कि आर माइनस ए ये डिस्टेंस कंपेयर आर प्लस ए के लेस है, कम है। तो जब ये डायरेक्ट डिस्टेंस अगर कम हो गई तो इंटेंसिटी E1 है वो E2 से बड़ी हो गई, क्योंकि E इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स है, मतलब आर इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो यहां आर माइनस ए होने की वजह से इंटेंसिटी E1 ग्रेटर देन है E2 से, इसलिए आप देख रहे हो कि E1 और E2 जो वो डायरेक्शन में अपोजिट हैं डायग्राम में, तो फिर हमारी रिजल्टेड इंटेंसिटी पॉइंट S पर क्या आती है वो देखें आप। रिजल्टेड इंटेंसिटी एट पॉइंट S, देखो हमने ये लिखा ES इक्वल E1 माइनस E2। देखो हमने E1 में से माइनस E2 किया है, उसके पीछे रीजन ये है कि E1 बड़ा है E2 से, इसका मैंने रीजन बता दिया E1 बड़ा क्यों है, और माइनस क्यों आया, क्योंकि E1 और E2 डायरेक्शन में अपोजिट है, एक की डायरेक्शन आउटवर्ड जा रही है एक की इनवर्ड जा रही है, इसलिए रिजल्टेड इंटेंसिटी ES इक्वल E1 माइनस E2 है भाई, E1 माइनस E2 है। E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो दोनों में के क्यू हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो बच गया क्या, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो देखो यहां ऊपर आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब ऊपर वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व हो जाएगा, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra अपॉन ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले को सोल्व करते हैं तो यही आता है, आपको पता है। ओके, अब हम माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर आप माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि ई एस इक्वल के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अभी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस के, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आता आगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ra 2ra हमने ऐड कर दिए तो ये 4ra बन गया क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो ई एस इक्वल के क्यू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया भाई। ओके, अब देखो यहां पर जो आर है वो डिस्टेंस है भाई पॉइंट ओ और एस के बीच की, ए जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनके बिटवीन डिस्टेंस है। आपको मैं एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो अंगस्ट्रोम में होती है भाई,
अंगस्ट्रोम का मतलब ये हो गया कि 1 angstrom = 10^-10 meter होता है, और जो हम आर लेते हैं वो सेंटीमीटर में ले सकते हैं, एमएम में ले सकते हैं, मतलब सेमी 10^-2 और एमएम का मतलब 10^-3। तो आप अगर कंपेयर करते हो तो सेंटीमीटर या एमएम जो है वो अंगस्ट्रोम के कंपेयर में बहुत बड़ा है, लार्ज है, और अगर आप उसका स्क्वायर कर देते हो तो वो और लार्ज हो जाता है। तो ये आप देख रहे हो कि ये आर स्क्वायर लिखा हुआ है और ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है। हमने कहा कि आर ए से वेरी वेरी ग्रेटर देन है, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए से, तो इसका मतलब ए स्क्वायर अगर हमने कर दिया इसका, तो ए स्क्वायर कंपेरिजन आर स्क्वायर के एक नेगलेट क्वांटिटी है, मतलब हमने लिखा अप्रोक्सीमेटली नेगलेट या जीरो। रीजन क्या है, 10^-10 का अगर स्क्वायर करते हो 10^-20 बन जाता है, और मान लो आप एमएम का स्क्वायर करते हो तो 10^-3 का स्क्वायर करते हो 10^-6 बनता है। अब 10^-6 जो है वो 10^-20 से कंपेयर करते हैं तो बहुत बड़ा है, लार्ज है, इसलिए हम उसको अप्रोक्सीमेटली एक नेगलेट या जीरो मान के चल सकते हैं। इसलिए हमने लिखा कि आ ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली नेगलेट और जीरो कंपेरिजन आर स्क्वायर, कंपेयर करते हैं तो है, अन्यथा नहीं है बेटा, ऊपर वाला नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला, ठीक है। ये ए स्क्वायर अगर हमने जीरो कर दिया तो हमारे फॉर्मूला क्या बचता है, ई एस इक्वल के क्यू है ही, 4 RA है ही, ऐसा कैसा, नीचे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 बन गया, क्योंकि ए स्क्वायर तो जीरो हो ही गया, अब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है उसको आर की पावर 4 हो गया। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो आर की पावर 3 बच गई रिमेनिंग, आर की पावर 3 नीचे। तो देखो आप इस फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है कि ई एस इक्वल के क्यू इंटू 4A/r³ हो गया, क्योंकि एक आर ऊपर वाला कैंसिल हो गया तो नीचे आर क्यू भी बचा। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज इसलिए कर देता हूं पी बनाने के लिए कैसे, के की जगह के लिख दिया, क्यू की जगह ये क्यू है, मैं 4A को 2 × 2A कर दिया, 4A को 2 × 2A तो वापिस 4A बन गया। ऐसा इसलिए कर दिया कि Q इंटू जो 2A है, मतलब Q इंटू 2A है वो P के इक्वल होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल Q इंटू 2A। तो हम क्या करेंगे यहां पर Q इंटू 2A की जगह ये P यूज कर देंगे आप। अगर आपने P लिख दिया तो फॉर्मूला क्या बनता है, ES इक्वल ये 2 के की जगह के, क्यू इंटू 2A की जगह पी अपॉन आर क्यू, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है मतलब इंटेंसिटी है पॉइंट एस पर, ई एस इक्वल 2 KP/r³ एट एक्सिस लाइन पर है, जिसमें के कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10^9 होती है पता है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसका फॉर्मूला आपको पता है Q इंटू 2A से आप सोल्व कर सकते हो, अपॉन R डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट S और O, तो ES इक्वल 2 KP/r³। अब इंटेंसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका वेक्टर फॉर्म कर देंगे, ES वेक्टर इक्वल 2 KP/r³, या R कैप नहीं लगाएंगे भाई, रीजन ये है कि हम इसको वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रूप में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म हो गया भाई। इस फॉर्मूले में हमें साफ दिख रहा है कि इंटेंसिटी जो रिजल्टेड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन दोनों की सेम है डायग्राम में, और आपको पता है रिजल्टेड इंटेंसिटी ई एस की डायरेक्शन तो ई वन की डायरेक्शन में ही आएगी, उसका रीजन ये E1 बड़ा था E2 से, तो रिजल्ट किसका बच रहा है E1 का, इसलिए रिजल्टेड ES की डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन ऑफ E1, और E1 की डायरेक्शन आपको पता है पॉइंट B2S थी आउटवर्ड, पॉइंट B2S, तो रिजल्टेड जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो पॉइंट B2S ही है,
और हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है पी की डायरेक्शन वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव होती है, इसलिए आप ध्यान देना कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। डायग्राम में देखें कि E1 की डायरेक्शन आप देख रहे हो पॉइंट B2 ऐसी है आउटवर्ड इस साइड ES की, और P की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, ये भी इसी साइड जा रही है। इसका मतलब रिजल्टेड ES और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P हमारे सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा वेक्टर फॉर्म भी यही कहता है, डायग्राम भी यही कह रहा है कि रिजल्टेड इंटेंसिटी ES, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, सेम डायरेक्शन। तो ये इस डायग्राम में भी वही बात आ रही है। और हम अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले में भी हमारी वही सेम पॉइंट टू पॉइंट आ रहा, आप देख रहे हैं कि ES वेक्टर इक्वल टू के पी वैक्टर अपॉन आर क्यू, मतलब रिजल्टेड ES और P सेम डायरेक्शन में पॉइंट B2S, पॉइंट B2S, पॉइंट B2S आउटवर्ड ही जा रही है क्योंकि E1 जो है वो हमारी वैल्यू में बड़ा है कंपेयर E2 के। तो ES भी सेम डायरेक्शन में है और P भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहां पर ES वेक्टर इक्वल टू के पी वैक्टर अपॉन आर क्यूब कर दिया है, मतलब ES और P हमारे सेम डायरेक्शन में है। तो ये हमारा टॉपिक है भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस लाइन पर। तो ये पॉइंट आपको सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके।